जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल स्पोक्स पर्सन उमेश तलाशी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इलेक्शन कंपेनिंग कर रहे हैं अपने पार्लियामेंट कैंडिडेट के लिए। उमेश जी, इलेक्शन की कंपेन आप कर रहे हैं, अब क्या रहा जम्मू कश्मीर में जो आप लोगों के पास ले जाओगे? 370 भी गया, 35 ए भी गया, अब क्या चीज लेकर आप लोगों के बीच जाओगे जिसके लिए लोग वोट देंगे? देखिये, हमने शुरू से ही लोगों के हक और हकूक की बात की है और लोग भली भांति जानते हैं, लोग बहुत बेहतरी से जानते हैं किस जमात ने क्या इस्तेमाल किया उनके साथ, तो हमें लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों का जो हम मूड और रुझान देख रहे हैं, हमें गवाने की जरूरत नहीं। रिस्पॉन्स इज वेरी गुड, रिस्पॉन्स इज वेरी वेल, वेरी गुड रिस्पॉन्स। पीपल वॉन्ट टू वोट दिस टाइम एंड पीपल नो हू दे हैव टू वोट फॉर। मुझे बताएगा, कल हमने देखा कि शहर खास श्रीनगर के अंदर पीडीपी ने भी जो है अपने कैंडिडेट को उतारा नेशनल कॉन्फ्रेंस में, अपनी पार्टी ने, तो पीडीपी के जानिब से जो है काफी ज्यादा इल्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस पे लगाए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बताया गया कि अगर ये 8 से 14 तक सरकार में रहे, यहाँ पे जब स्टेट था तो उसके बाद पीडीपी की सरकार बनी, मगर 8 से 14 तक धारा 370 को इतना मजबूत क्यों नहीं किया गया? पार्लियामेंट में एक शख्स उठा, उसने ऐलान किया और धारा 370 को कश्मीर से हटाया गया। क्या तब नेशनल कॉन्फ्रेंस गप्पे मार रहा था या तब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपने पावर को जो है गलत इस्तेमाल कर रहा था? देखिए शाहिद साहब, इसको कहते हैं मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। पीडीपी को तो हक ही नहीं है ये सवाल पूछने का। क्यों जनाब? पीडीपी ने ही जो बीजेपी के उमर साहब भी थे, बीजेपी के साथ, सुनिए या तो जवाब सुनिए, ये जवाब सुनिए, अगला सवाल पूछिए। बीजेपी को लाने वाली, हम तो फख्र से कहते हैं कि उमर साहब मिनिस्टर थे, उमर साहब वाजपेयी की सरकार में मिनिस्टर थे। उमर साहब ने वसूख के साथ कहा, अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा मैं दोबारा वाजपेयी साहब के साथ काम करने को तैयार हूं। बट भगवान ने, चलिए वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके जैसे लीडर नहीं। आज की बीजेपी जो है ये आप देख रहे हैं, ये सिर्फ रिलीजियस डिवाइड पे बात कर रही है। आप क्या पूछ रही है मेरे से? आप प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए, वो कह रहे हैं कांग्रेस ने मैनिफेस्टो लाया, हिंदू को मंगलसूत्र भी बेचने पड़ेंगे। घुसपैठिए, आप उस पर बात कीजिए, आप इन चीजों पर बात कीजिए। आप किस बीजेपी की बात कर रहे हैं और किस पीडीपी की बात कर रहे हैं? पीडीपी को तो शर्म आनी चाहिए, वो किस हक से लोगों के बीच में जाते हैं, कैसे वो लोगों को अपना चेहरा दिखाते हैं, कैसे वो लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। ये सब बर्बादी पीडीपी की हुई है, सारी बर्बादी उन्होंने की हुई है। और आज अब सियासत में वापस अपनी कुर्सी पाने के लिए वो लोगों को फिर धोखा दे रहे हैं, लेकिन इस बार लोग जवाब देंगे। लोगों को समझ में आ गया है किस जमात ने उनके साथ क्या इंसाफ किया है। उनको आप ज्यादा रुकना नहीं है, 4 तारीख को इलेक्शन के नतीजे आएंगे, जवाब मिल जाएगा। अगला सवाल, अनंतनाग, राजौरी और बारामूला, क्या लग रहा है बारामूला के अंदर? क्योंकि एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सफीना बेग, मुजफ्फर बेग, कुछ गिने चुने सोशल एक्टिविस्ट, क्या लग रहा है बारामूला में एमसी बाजी मारने में कामयाब होगा या सज्जाद गनी लोन? देखिए, मैंने कहा आपको 4 जून का इंतजार कीजिए, चाहे ये कितने ही लोग झुंड में आए, शेर को नहीं हरा सकते। जंगल में जितने भी झुंड में आते हैं ना, लेकिन जंगल का शेर एक ही रहता है, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, वो सेंट्रल कश्मीर हो, वो साउथ कश्मीर हो। 3 की 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में है और ये लोगों का मंशूर है, ये लोगों का दावा है, ये लोग कहते हैं। आप देखिए 4 जून को नतीजे देखिए और फिर देखिए कि क्या किस मजबूती से नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट में जाते हैं। उमेश तलाशी, एडिशनल स्पोक्स पर्सन जेकेएमसी हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका दावा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कश्मीर से पार्लियामेंट के तीनों सीटें लेने में कामयाब होगा, ये 4 जून को पता चलेगी। दूसरी तरफ से अगर बारामूला की बात करेंगे, कहीं ना कहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है उनका भी दावा है कि यहां से सज्जाद गनी लोन ही पार्लियामेंट में जाएंगे। 4 जून को सब कुछ आप लोगों को मालूम हो जाएगा जब नतीजे आपके सामने होंगे। मजीद आप बने रहे द टाइपराइटर के साथ।